हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश और उसमें लेसन नंबर 7 द इन्वेंशन ऑफ विटा वोंक। ठीक है, चलो देखते हैं वो क्या है। मिस्टर विली वोंका बिगिन बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट which makes people younger, but Wonka White is too strong, so many people disappear because of their age become a minus. One person actually become minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. अब क्या होता है कि मिस्टर विली वोंका नाम के एक साइंटिस्ट होते हैं ना, वो उसने एक इन्वेंशन किया था जिसका नाम था वोंका वाइट। क्या नाम था? वोंका वाइट। ठीक है, ये ऐसी चीज थी कि जो पीपल्स को ज्यादा जवान बना देती थी। ठीक है, लेकिन वोंका वाइट है यानी कि वो ड्रिंक है, वो इतना तेज था, इतना स्ट्रांग था, ठीक है, कि कई सारे लोग तो उसको पी के गायब भी हो गए थे क्योंकि उसकी एज है वो माइनस में चली गई थी। ठीक है बच्चों, और एक पर्सन की एक एज है वो तो इतनी माइनस में चली गई कि वो तो टोटली डिस्टपियर हो गया। ठीक है, वो माइनस 87 तक हो चुकी थी यानी कि उस आदमी को वापस आने के लिए अब 87 साल तक इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, करना पड़ता है। चलो देखते हैं उसमें। अब मिस्टर विली वोंका है ना, उसको अब कुछ नया थिंग्स है वो इन्वेंशन करना चाहिए। चलो देखते हैं वो क्या इन्वेंशन करते हैं। अब मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माय स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी। आई हैड टू क्रिएट अ एज टू मेक पीपल ओल्ड old, older, oldest, ha ha ha, I cried, for now the idea were begin to come, what is the oldest living thing in the world, what live longer than anything else। अब मिस्टर वोंका कहते हैं कि मैंने अपनी जो स्लीव्स है, ठीक है, वो रोल कर ली है और अब मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने दिमाग से कुछ ना कुछ नई तरकीब है, नई जो इन्वेंशन है वो सोचता हूँ, उसकी रेसिपी वो मैं निकालता हूँ और इस बार मैं अपनी जो एज है ना वो क्रिएट करूंगा, यानी कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे पीपल है वो ज्यादा बूढ़े हो जाए, ठीक है, ज्यादा ओल्ड हो जाए, और वहीं उसी सोचते सोचते वो रोने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वापस वो अपने काम में, अपने जो आइडिया है उसमें जुड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस दुनिया में सबसे पुराना यानी कि जो लंबा जीता है, जो अब लंबी लाइफ को पास करता है वो कौन होगा। ठीक है, और क्या वो अब तक जिंदा है, ऐसी वो चीजें सोचने लगते हैं। और क्या होता है आगे देखते हैं हम। चार्ली से, ठीक है, तो एक ट्री होता है ऐसा चार्ली कहते हैं। चार्ली है वो मिस्टर वोंका है ना, उसका एक असिस्टेंट होता है, ठीक है, उसका को पार्टनर होता है। अब देखते हैं, राइट यू आर चार्ली बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री। ठीक है, तो मिस्टर वोंका है वो चार्ली से कहते हैं कि तुम सही हो लेकिन कौन से टाइप का ट्री, नॉट द डफलास फायर, Not a oak, not a cedar, no, my boy. It is a tree called the bristlecone pine that grows upon the slope of a Wheeler Peak in Nevada, USA. ठीक है, अब क्या होता है कि हमें यहाँ पे कुछ चार पांच ट्री के नाम दिए गए, जैसे कि लिखा हुआ है कि डफग्लास, फिर ओक है, केडार है, ठीक है, उन सब की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे साइड में दी गई है। ठीक है, यहाँ पे तो आप उसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये सारे ट्रीज है वो तो नहीं है। फिर मिस्टर वोंका वो कहते हैं कि ब्रिस्टल कॉर्न नाम का पाइन ट्री है ना, वो सबसे पुराना है, वो कहाँ पे आया हुआ है, तो वो व्हीलर पीक है ना उसके ऊपर आया है, तो व्हीलर पीक नवाडा है, यूएसए में आई हुई है। ठीक है, यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टूडे दैट आर ओवर 4,000 ईयर ओल्ड।
दिस इज अ फैक्ट चार्ली। अब क्या होता है कि मिस्टर वोंका कहते हैं कि तुम जो नेवाडा यूएसए की पीक है ना, वहां पे आज के हाल के टाइम में भी ब्रिस्टल कॉर्न का एक ट्री मिलेगा जो 4000 साल पुराना है। दिस इज द फैक्ट चार्ली आस्क्ड एनी डैंड रॉक कॉर्नोलॉजिस्ट डेंटोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक एट दैट वर्ड्स अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गोट गेट हिम गेट होम विल यू प्लीज शो दैट स्टार्टेड मी ऑफ आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। अब क्या होता है कि चार्ली वो कहता है कि तुम ये सारी जो चीज़ें हैं ना जो ओल्डेस्ट हैं वो लाओ, ताकि क्या होगा कि मैं इन सब चीज़ों को जो ग्लास एलिवेटर्स होता है ना, यानी कि कुछ प्रयोग करने का साधन, उसमें मैं मिक्स करूँगा और मैं कुछ नया चीज से वो इन्वेंशन करूँगा। तो हमें देखने को मिलता है कि वो कौन सी चीज़ें वो चार्ली लाता है। तो अ पिंट ऑफ अ शेप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कॉर्न पाइन, ठीक है, तो यानी कि जो उसकी शेप होती है ना, जो पेंट होती है वो लाते हैं, जो 4000 साल पुराना जो ब्रिस्टल पाइन का ट्री है वो। फिर टॉय नेल, ठीक है, जो 160 ईयर ओल्ड ऑफ द रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, ठीक है, यानी कि जो पाँव का नाखून होता है ना, जो ऐसे पाँव का नाखून है, एक जो रशिया में फार्मर है वो 168 ईयर से लाइव कर रहा है, ठीक है, उसका नाखून है। फिर एक लाया है कछुए के, ठीक है, जो 200 साल पुराने हैं, जो कहाँ पे रहता है, तो किंग ऑफ टोंगा में रहता है। फिर एक टेल लाया है 51 ईयर ओल्ड की, ठीक है, जो हॉर्स की है, अरेबियन हॉर्स में हॉर्स की है। फिर है विस्कर ऑफ द 36 ईयर ओल्ड केट, जो केट की जो क्रम्पेट्स होती है, यानी कि जो उसकी मूछें होती है ना, वो लाए हैं। फिर ओल्ड फेलिया विच हैड लिव्ड ऑन द क्रम्पेट्स फॉर द 36 ईयर, तो फेलिया है वो भी एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ठीक है। द टेल ऑफ द 207 ईयर ओल्ड जायंट रेट, ठीक है, तो एक जायंट रेट की भी जो पूछ है वो लाए हैं। फिर काले दांत भी लाए हैं 97 ईयर ओल्ड, ठीक है, एक जो इंसेक्ट होता है उसके। और यहाँ पे 700 यानी कि जो इतने साल पुराने हैं कैटलू, उसके भी उसके जो पैरू है वहाँ से भी वो ये चीज़ें लाए हुए हैं। ओके बच्चों, तो ये सारी चीज़ें वो लाने के बाद वो क्या करते हैं, वो मिक्स करते थे। हमें यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, तो जो मैंने यूनिट समझा है ना उसकी ऊपर से वो कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो देखते हैं नंबर टू में। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on the eye tracked down very old and ancient animals and took an importance little bit of something from each of them. Charlie कहता है कि Mr. Wonka, मैं हर जगह से हर जो पुरानी चीज़ें हैं ना, मैं उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े लाया हूँ, जैसे कि a hair or an eyebrow or something, it was no more than an ounce or a two of the jam scraped from between its टॉयल वाइल इट वॉज स्लीपिंग, ठीक है। तो वो ये भी कहते हैं कि मैं उसके या तो नाखून लाया हूँ, या उसका आईब्रो लाया हूँ, ठीक है, या तो उसकी बॉडी का कोई भी छोटा पार्ट लाया हूँ। हाँ, वो जब भी जगते हैं या तो सोते हैं ना, तब मैं क्या करता हूँ, उसकी जो नींद है वो बिगड़े नहीं, ऐसा करके वो मैं जो चीज़ें हैं वो मैं लाता हूँ। आई ट्रैक डाउन द विसल पीक, ठीक है, तो ये सारी वो एनिमल्स के नेम लेता है कि जो चीज़ें वो कलेक्ट करके लाया हुआ है चार्ली, ठीक है। और कहता है कि जो एक स्नेक होता है, ठीक है, वो इतना पॉइजनस होता है कि अगर हम 50 यार्ड भी उससे दूर रहे ना, तो भी वो हमें बाइट कर सकता है, उसका जो जहर है वो हमें लग सकता है। बट देयर इज नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये सब चीज़ें बताने के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है। Charlie, let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and the mixing and the testing in, अब क्या होता है कि वो ऐसा चार्ली को बोल के वो जो अपना इन्वेंशन रूम है ना, वो वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे कई सारे बबल्स देखने को मिलते हैं और कई सारे मिक्सिंग भी वो करते हैं, ठीक है, ठीके? और फिर जो टेस्टिंग का टाइम आ जाता है। चलो देखते हैं टेस्टिंग टाइम में क्या होता है।
माई इन्वेंशन रूम, आई प्रोड्यूस वन टाइनी कप फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड एंड गिव फोर ड्रॉप्स ऑफ इट्स ऑन अ ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉल्यूंटरी टू सी व्हाट्स हैपन। अब क्या होता है कि इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद ना एक काले कलर का जो लिक्विड है ना वो तैयार होता है, और उसमें से चार जो ड्रॉप्स होती है ना, फोर ड्रॉप्स, वो उसके जो 20 साल के जो ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर है ना, उसका एक साथी है, उसका एक सहकर्मी है, उसको वो पिलाया जाता है ताकि वो देखने को मिलता है कि उससे क्या होता है। व्हाट्स हैपन, चार्ली आस्क्ड, और कहते हैं कि क्या हुआ फिर। इट वॉज फैंटास्टिक, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा हुआ, क्राइड मिस्टर वोंका। और जो मिस्टर वोंका है वो रोते रोते कहते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ। द मोमेंट ही स्वेलोड इट ही बिगेन व्रिंकलिंग एंड श्रिविलिंग अप ऑल ओवर एंड हिज एयर स्टार्टेड ड्रॉपिंग ऑफ एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड। और कहते हैं कि उसके जो दांत हैं, उसके जो बाल है वो गिरने लगे थे, ठीक है, और उसकी जो स्किन है वो भी व्रिंकल होने लगी थी, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर भी छुरियाँ आ गई थी, ठीक है। और क्या हुआ कि मैं जैसे ये कुछ समझू उससे पहले तो वो बूढ़ा भी हो चुका था। ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड एंड फेलो ऑफ 75, ठीक है, और वो इतना जल्दी ओल्ड हो गया कि ऐसा लग रहा था कि मान लो कि वो 75 ईयर का हो। एंड थस माई डियर चार्ली वॉज विटा वोंक इन्वेंटेड, और वापस मैंने विटा वोंक है वो इन्वेंटेड कर दी है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा जो यूनिट है विटा वोंक वो यहाँ पे खत्म होता है। चलो देखते हैं, हमें वर्किंग विद टेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, तो वो आप अपनी तरफ से कंप्लीट करने की कोशिश करना, बहुत इजी है। अब देखते हैं हमें यहाँ पे कि आपके जो ये पिक्चर में दिए गए हैं ना कि कॉकरोच है, मॉस्किटोस है, ग्रास ऑपर है, हाउस फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, आंट्स है, ठीक है, तो आपको अपनी लोकल भाषा में उसको क्या कहते हो तो आपको वो लिख लेना है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे दिया गया है इजी पलक दाल, ठीक है, तो आपको वो पालक की दाल है वो बनानी है, उसके लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो ऊपर ब्रैकेट में दिया गया है, तो उसको आपको वन बाय वन करके अच्छी तरह से फिट करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे लास्ट में एक डायलॉग बॉक्स भी दिया गया है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे अच्छी तरह से ये फैमिली है माय फैमिली, उसका एक ट्री कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे डायलॉग है वो कंप्लीट करना है, जैसे कि यू कह रहा है, आप बोल रहे हो किससे, अपने पार्टनर से, कि आई डिड गो देयर, ठीक है, मुझे वहाँ पे जाना चाहिए था, ठीक है, मैं वहाँ पे गया था। पार्टनर से यू वेंट देयर देन आई डू प्ले गेम्स, ठीक है, तो कहता है कि तुम वहाँ पे गए थे फिर क्या हुआ, तो मैं वहाँ पे खेला। और उसी तरह से ये सारा डायलॉग बॉक्स है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। राइट में भी दो क्वेश्चन है वो एकदम इजी है। और उसी के साथ हमारा जो लेसन नंबर 7 का पार्ट 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।